अफगानिस्तान में पहली बार शूटिंग करने वाले बॉलीवुड अभिनेता थे फिरोज खान। इस तरह बनाई अपनी पहचान। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्माता निर्देशक फिरोज खान को बॉलीवुड की ऐसी शख्सियत के तौर में याद किया जाता है जिन्होंने फिल्म निर्माण को विशेष शैली दी। उनका जन्म 25 सितंबर साल 1939 को बंगलुरु में हुआ था। उन्होंने बंगलुरु के बिशप कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जर्मन बॉयज हाई स्कूल से पढ़ाई की और मुंबई आकर अभिनय की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई। साल 1960 में फिल्म दीदी में उन्हें पहली बार अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म में वे सह कलाकार थे। इसके बाद अगले 5 साल तक ज्यादातर फिल्मों में उन्हें सह कलाकार की भूमिकाएं ही मिली। वह साल 1962 में अंग्रेजी भाषा की फिल्म टारजन गोज टू इंडिया में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री सिमी ग्रीवाल मुख्य भूमिका में थी। फिरोज खान द्वारा निर्मित फिल्मों पर नजर डालें तो उनकी फिल्में बड़े बजट की हुआ करती थीं, जिनमें बड़े आकर्षक और भव्य सेट, खूबसूरत लोकेशन, दिल को छू लेने वाला गीत संगीत और उम्दा तकनीक देखने को मिलती थी। अभिनेता के तौर पर भी फिरोज खान ने बॉलीवुड के नायक की परंपरागत छवि के विपरीत अपनी एक अलग और खास शैली गढ़ी जो आकर्षक और तर्कभरक वाली थी। उनकी काउबॉय वाली छवि दर्शकों के मन में हमेशा से बसी हुई है। साल 1965 फिरोज खान के फिल्मी करियर के लिए बेहद खास रहा। उन्हें फणी मजूमदार की फिल्म ऊंचे लोग में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में फिरोज खान के साथ अशोक कुमार और राजकुमार सहित कई दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिका में थे, लेकिन अपने शानदार अभिनय से वे दर्शकों में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। उसी साल फिरोज खान की एक और फिल्म आरजू भी रिलीज हुई। उस फिल्म को भी खूब पसंद किया गया। साल 1969 में आई फिरोज खान की फिल्म आदमी और इंसान। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का पुरस्कार मिला था। फिरोज खान अपने भाई संजय खान के साथ भी कुछ फिल्मों में नजर आए थे, जिनमें मेला, उपासना, नागिन सहित कई हिट फिल्में शामिल है। वर्ष 1972 में फिरोज खान फिल्म अपराध से निर्माता निर्देशक के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की। फिल्म निर्माता निर्देशक के रूप में उन्होंने हिंदी फिल्मों में नई दिशा दी। फिल्म अपराध भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें जर्मनी में कार रेस दिखाई गई थी। धर्मात्मा की शूटिंग के लिए वे अफगानिस्तान के खूबसूरत लोकेशनों पर गए। इससे पहले भारत की किसी भी फिल्म की वहां पर शूटिंग नहीं हुई थी। इसके बाद फिरोज खान ने दयावान, यलगार, कुर्बानी, जामबाज, प्रेम अगन और जानफी सहित कुछ फिल्मों का निर्माण किया।